सच इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। ऑस्कर नॉमिनेशन की लिस्ट जारी, भारतीय फिल्मों ने भी अपनी जगह बनाई। हाल ही में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने ऑस्कर के लिए 301 फीचर फिल्म की सूची जारी की है। इस लिस्ट में भारतीय फिल्मों ने भी अपनी जगह बनाई है। इस लिस्ट में भारतीय फिल्मों ने जो जगह बनाई है वो लिस्ट है SS राजमौली की RRR, संजय लीला बंसाली की गंगूबाई कठियावाड़ी, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स और ऋषभ शेट्टी की कांतारा भी शामिल है। यही नहीं, इस लिस्ट में गुजराती फिल्म छिल्लेशोर ने भी अपनी जगह बनाई है। तो इन सभी फिल्मों को ऑस्कर की लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस लिस्ट में ऐसी फिल्में हैं जो आधिकारिक तौर पर अलग अलग जोन में एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं, लेकिन केवल इस लिस्ट में शामिल होने से ये गारंटी नहीं मिलती है कि फिल्म अकादमी पुरस्कारों में आखिरी लिस्ट का ये हिस्सा बनेगी। बता दें कि अंतिम लिस्ट की घोषणा 24 जनवरी को की जाएगी। सभी फिल्मों ने एक दूसरे को टक्कर दी है, वहीं सभी कलाकार ऑस्कर में पहुंचने से बहुत खुश हैं। फिर एक ऐसे चैनल वाले ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुबारक हो। मैंने किस चीज़ की कि आपकी फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है? पर एक बात भी माननी पड़ेगी कि भारतीयों में बहुत अच्छी, बहुत बड़ा दिल है। देखिए, इट्स नॉट नॉमिनेटेड, इट्स जस्ट शॉर्टलिस्टेड। बट जिस उत्साह से मीडिया हमें फ़ोन कर रहा है और बातचीत कर रहा है, इंक्लूडिंग ANI, उसमें बहुत अच्छी, एक बड़ी ब्यूटिफुल, एक हम्बलिंग फीलिंग आती है। विवेक बहुत खुश होंगे, बिकॉज विवेक का तो बच्चा है कश्मीर फाइल्स। उन्होंने तो इसको 700 लोगों को इंटरव्यू करके, वर्ल्ड के बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को इंटरव्यू करके ये फिल्म बनाई है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।